गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जो आप लोग को डर लगता है कि फिजिक्स हमको नहीं आती, फिजिक्स आपको आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा समझाएंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस होता क्या है, इसमें क्या होता है, क्या लिखा गया है, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु ने अपनी गति के दौरान किसी लंबाई को कवर करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ है, कोई पर्सन एक है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो मान लेते हैं 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका एक्चुअल पाथ है वही हमारा क्या होता है, और जो मेजर करने पर जितने मीटर या सेंटीमीटर आता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डायरेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ ए पर्सन है, यहाँ से यहाँ तक गया ये बी 5 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या आया 3 सेंटीमीटर आया, फिर उसके बाद कितना आया यहाँ तक, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, अगर डिस्टेंस की बात करेगा, डिस्टेंस की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ गया, कुछ ने डिस्टेंस कवर किया तो 5 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर आया इधर तो 3 सेंटीमीटर, फिर इधर इधर से इधर आया तो कितना 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा टोटल 5 3 8 8 4 12, यानी कि 12 मीटर हो गया डिस्टेंस की बात करेगा। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, अगर ए से सी तक अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो 4 होगा हमारा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ चला फिर ऐसे आया, तो मतलब इसका जो हो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होता है 0, यानी कि एक पॉइंट से चला फिर वहीं आके दोबारा आके मिल गया, तो हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा 0, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 12। और ऐसे हम देखते हैं, जैसे हम सर्कल में चलते हैं, यहाँ से ए पॉइंट से हम चलना प्रारंभ किए, यहाँ से आए यहाँ यहाँ, इसका मतलब क्या होता है हमारा, ये बाउंड्री यानी कि सर्कमफेरेंस होता है, यानी कि 2πr, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पॉइंट से आए फिर वापस चलेंगे तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मिंट 0, और डिस्टेंस की बात करेगा, डिस्टेंस की बात करेगा 2π। क्लियर है आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब आते हैं कुछ सम पॉइंट्स हैं हमारे पास डिस्टेंस के। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आपको पहले ही बता चुके हैं कि उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, कैसे, जैसे इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती किस डायरेक्शन में हम चलेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्यों, क्योंकि जिस पाथ से जिस जिधर से हम जाएंगे उधर से रिटर्न वापस होंगे, तो इसका मतलब हमको डायरेक्शन पता होती है किधर से हम आएंगे किधर से जाएंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करेगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमने अगर यहाँ से यहाँ तक चला तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगी कभी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और कुछ नंबर्स हो सकते हैं, जैसे आपको ये दिखाया गया। अब यूनिट की बात करेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर में अगर मेजर किया जाएगा मीटर होगा, नहीं तो सेंटीमीटर होगा, नहीं तो किलोमीटर में मेजर किया जाएगा। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे समझ में आया होगा, इसको कॉपी में राइट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ने जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग चाहे एक दो ही हेडिंग पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। थैंक यू।